नमस्कार। भिन्न की संकल्पना को समझाने का अवधारणा बनाने का आज छठवां दिन है। आज पुनः चित्र के माध्यम से अवधारणा को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये आज चेक करते हैं कि बच्चे इसको समझ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए चित्र का शेप चेंज कर दिया गया है। क्योंकि आज कला का दिन है, इसलिए आज एक विशेष प्रकार की कला भी बोर्ड पे बनाई गई है, जो बड़े से लेकर के छोटे तक की संकल्पना को भी स्पष्ट करेगी। छोटा और बड़ा भी हम लोग यहाँ समझेंगे और बच्चों से पूछेंगे। तो आइए अब कक्षा एक के बच्चों को बुलाते हैं और देखते हैं ये इसमें जो चित्र बना है उसके भिन्न को वो बता पा रहे हैं अथवा नहीं बता पा रहे हैं। चलिए अंश आ जाइए, अंश कम हियर। चलिए ये बड़े वाले का भिन्न बताइए कितना होगा। एक भाग का मान कितना खाना है उसमें? आठ खाना है। कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए। चलिए शिवम आ जाइए, सुंदरम आइए, हरी अप। चलिए आप इस चित्र को देख रहे हैं, हाँ, इसके एक खाने का मान कितना होगा, भिन्न क्या होगा बताइए। एक बटे छह, गिन के बताइए कितना खाना है। हाँ, छह खाना है, तो एक बटे छह, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए इस चित्र को बताइए इसका भिन्न क्या होगा। हाँ, हाँ, भिन्न क्या होगा? एक बटे पांच, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका भिन्न क्या होगा? हाँ 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 हाँ, भिन्न क्या होगा इसका? एक बटे चार, बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए। चलिए सोनाक्षी आ जाइए, सुनताइए इसका भिन्न क्या होगा। हाँ क्या होगा? एक बटे तीन, बहुत अच्छे, शाबाश। अब आ जाइए, हाँ, इसका भिन्न क्या होगा? एक बटे तीन, बहुत अच्छे, शाबाश। अब पीयूष आ जाइए, कितना खाना है उसमें? हाँ दो, इसका भिन्न क्या होगा? एक बटे दो, बहुत अच्छे, ताली बजा दिए। इस तरह से सभी बच्चों ने इसको बता दिया। अब आइए सबसे छोटा और सबसे बड़ा इनसे पूछते हैं क्या ये बता पाते हैं अथवा नहीं बता पाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इधर से, पीछे से आप आइए। शिल्पी आप बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, इस चित्र में सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन है? वही सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई इनके लिए। सबसे छोटा जानती है, सबसे बड़ा कौन है? बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छे। इसमें गिनिए कितना खाना है? सात ही है, फिर से गिनिए। हाँ, और नीचे आठ, कितना खाना है? आठ खाना। इसका भिन्न क्या होगा? दूसरा कोई नहीं बताएगा, क्या होगा भिन्न? इसके एक खाने का मान कितना होगा? एक बटे तीन, क्यों? तीन खाना ही है क्या उसमें? कितना खाना है? आठ खाना है, आठ खाना है, तो आठ खाना है, एक बटे आठ होगा, बहुत अच्छे। अच्छा इसका बताइए इसमें कितना खाना है? हाँ कितना खाना है? एक बटे चार, इसका भिन्न होगा। किसका इसका मान कितना होगा? एक बटे, हाँ, इसमें भिन्न क्या होगा? एक बटे चार, इसके एक खाने का मान होगा एक बटे चार, ठीक है ना। चलिए जाइए, बहुत अच्छे। हाँ शिवम देखिए इसमें सब चित्र दिख रहा है, इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, बहुत अच्छे, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छे। सबसे बड़ा बताइए कौन है? सबसे बड़ा, बहुत अच्छे, ये आंगनबाड़ी के विद्यार्थी हैं। चलिए अच्छा ये बताइए इसमें से किसमें चार खाना बना है, चार खाना वाला बताइए। हाँ गिनिए, अच्छा, हाँ 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 हाँ, आठ, कितना है? आठ खाना। हमने क्या पूछा आपसे? चार खाना वाला बताइए, इसमें खोजिए चार खाना वाला कौन है, चार खाना वाला जिसमें चार ही खाना हो। एक, हाँ गिन लीजिए, सबको गिन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, छह है, छह खाना है इसमें। चलिए आगे वाले गिनिए। हाँ हाँ, पांच खाना है, पांच खाना है, चार खाना वाला गिनना है। हाँ बताइए चार खाना वाला बताना है। हाँ हाँ, कितना खाना है उसमें? चार खाना, देखिए चार खाना वाला पहचान लिए, बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए, शाबाश।
चलिए पीयूष आ जाइए, पीयूष नहीं ये वाले छोटे वाले पीयूष, छोटे साहब मिस्टर पीयूष। हाँ मिस्टर पीयूष बताइए सबसे बड़ा गोला कौन सा है इसमें। बहुत अच्छे शाबाश, सबसे छोटा गोला बताइए, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा जो सबसे छोटा हो बाबू की तरह। वो सबसे छोटा है। अच्छा सबसे छोटे गोले में कितना खाना है बताइए गिन के। दो खाना है, बहुत अच्छे। और सबसे बड़े गोले में कितना खाना है गिन के बताइए। कितना खाना है, कितना? आठ खाना है। बहुत अच्छे, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे शाबाश। चलिए बैठ जाइए, आयुषी आइए। ये आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, इनसे हम छोटा बड़ा की संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बताइए सबसे बड़ा कौन सा है आयुषी, सबसे बड़ा कौन सा? बहुत अच्छे। सबसे छोटा कौन सा है? बहुत अच्छे। सबसे छोटे गोले में कितना खाना है? दो खाना, बहुत अच्छे। और सबसे बड़े वाले में कितना खाना है? हाँ 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 आठ। कितना खाना है? आठ खाना, बहुत अच्छे। अच्छा इसका भिन्न क्या होगा, इसके एक खाने का मान कितना होगा? एक बटे आठ, बहुत अच्छे। शाबाश शाबाश आयुषी, शाबाश। आप आइए, आ जाइए, जल्दी आइए, दौड़ के आइए। चलिए आप बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए इनके लिए। सबसे छोटा बताइए, सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा? बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए इसमें कितना खाना बना है गिन के बता। हाँ 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 पांच। कितना खाना बना है? पांच खाना। तो इसका भिन्न क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा? एक बटे कितना, एक बटे कितना होगा? एक बटे चार। कितना खाना फिर से गिनिए। हाँ 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 पांच खाना है। कितना खाना है? पांच खाना है। तो इसका भिन्न कितना होगा? एक बटे, एक बटे पांच, एक बटे पांच होगा। इसका एक बटे चार होगा। देखिए इसके एक खाने का मान एक बटे चार होगा। इसमें कितना खाना है गिनिए? हाँ चार। तो इसका भिन्न का हो जाएगा एक बटे चार, एक बटे चार। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छे शाबाश। भिन्न बताइए कितना होगा? सात होगा भिन्न। इसका भिन्न क्या होगा? एक बटे आठ होगा। कितना होगा इसका, इसका? हाँ 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 दो बटे आठ क्या होगा? दो बटे आठ होगा। जितना खाना रंगा रहेगा उतने बटे आठ होगा, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, अंश आ जाइए, आइए आइए फिर आइए। हाँ आप आगे बताइए इसका भिन्न, बताइए इसका भिन्न। हाँ 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 पांच। अब कितना होगा इसका भिन्न? दो बटे अब कितना खाना गिने हो, फिर से गिनो। हाँ 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 पांच। तो दो बटे, दो बटे पांच, दो खाना रंगा है ना, तो दो बटे पांच हो जाएगा, ठीक है ना? आप इसका बताइए। तीन बटे छह, बहुत अच्छे शाबाश। चलिए हाँ कितना भिन्न होगा? पांच। हाँ कितना खाना रंगा है? एक बटे पांच होगा। एक ही खाना रंगा है, दो खाना रंगा, तो दो बटे पांच होगा ना, दो बटे पांच। बहुत अच्छे, चलिए शाबाश। हाँ 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 छह। कितना कितना भिन्न होगा इसका? एक बटे छह होगा। एक खाना रंगा हुआ है, कितना खाना रंगा है? तीन खाना, तो तीन बटे छह होगा ना, क्या होगा? तीन बटे छह होगा। बहुत अच्छे, चलिए गिनिए कितना खाना है। एट। कितना खाना है? एट खाना है। तो इसका भिन्न क्या होगा? एक बटे एट। कहे कितना खाना रंगा हुआ है उसमें बताइए?
दो खाना, तो भिन्न क्या होगा आप बताइए? एक बटे दो होगा, एक बटे आठ। कितना खाना रंगा है? दो बटे आठ। कितना रंगा है? हाँ दो खाना रंगा है ना, तो क्या हो जाएगा उसका भिन्न? दो बटे आठ क्या हो जाएगा? हाँ चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बच्चे लगभग लगभग इन चित्रों को देख करके छोटा और बड़ा समझ ले रहे हैं, इन चित्रों में जो खाने बने हुए हैं उनको गिन ले रहे हैं और इनके एक भाग का मान भी बता ले रहे हैं, भिन्न के माध्यम से उसको बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग का जो प्रयास है कि बच्चों के अंदर भिन्न की संकल्पना को स्पष्ट करने का, भिन्न की संकल्पना उन्हें समझाने का, उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल होने का प्रयास किए और सफल भी हो रहे हैं। अब इसकी परीक्षा सोमवार को 7वां दिन है, जो अंतिम दिन है, चूंकि 7 दिन का ही चैलेंज था, तो 7वें दिन किसी व्यक्ति को, किसी शिक्षक को, बाहरी शिक्षक को बुलाएंगे हम और वो जो है इन बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो भिन्न की संकल्पना को समझ पाए हैं अथवा नहीं समझ पाए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।